अब मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी किसी हमला हमला भी हुआ आपके ऊपर really? क्या हुआ था वो? बम मार दिया था सर. है? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सब. क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल. अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है. फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए. हाँ, चूड़ी का एक अलग बक्सा होता है, समझ में गया? वो काली बंगा से मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं होता है. मेकअप का मतलब था पोत पात वाला चीज होता है, और वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है. जिस तरह सामान, जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राज मिस्त्री को, तो अपने सामने सूता साहूल बसुली हेन तेन लेके चलते हैं सर. वैसे महिला भी सब लेके चलती है सर, सूता साहू बसुली बक्सा पेटी है. बर्थ एरिया कहीं ब्याह शादी में जाए, अच्छा 300 का दिमाग होता है. ब्याह में जाएगी ना तो एगो कपड़ा पहनेगी, 11 बजे चेंज कर लेगी. आ फिर एगो पहन लेगी, आ शाम को फिर एगो दूसरा तीसरा पहन ले, 3 गो. आ किसी कि, कोई लड़का इतना ध्यान देता है? लड़का जिंदगी हो या क्लास, हमेशा वो टारगेट बैच खोजता है. उसको आलतू पालतू जगह टाइम मतलब नहीं है उसके पास, उसको 75 को काम रहता है, समझ में आया? और अपने में अपने 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 को दिखाएगी सर, यहाँ अजब हाल है यार. एगो लड़की करिए सर, लड़का अगर ध्यान नहीं देता है तो पता कैसे चलता है उन सब को. अरे भाई अब कोनो सामने में आके फोकस मारेगा तो आंखवा थोड़े बंद करेगा वो. अरे शादी ब्याह में देखना आगे आके फोकस मारेगी सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी, कोनो सामान के बहाने, ये सामान नहीं मिल रहा कहाँ है. नहीं कहाँ है. वाह, हम लड़कों की बुराई नहीं सुन सकते. लड़का एकदम विष्णु होता है. अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है, अफवाह बहुत उड़ाया जाता है कोनो कोनो चीज का. कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है. ये कौन सा मानसून से रिलेटेड? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में वर्षा होगा तो गधा का ब्याह होगा. सियार का ब्याह होता है, गधा का नहीं. देखिए ये सियार है, समझ गया ही. वाह, समझा गया. तो जब फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, इसलिए कैसे इसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है. इसलिएगा सब इसे नचा के पहन लेता है, फिल्म में हीरो होता है, टकला पे माचिस जला देते है. एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मैंने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा. ये कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए? लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है सर. बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनको यार हंसेगा, दांत चियारेगा, आए हैं तो वर्षा कराओ? अरे सर, तू बृष्टि छाया में होगा तो कहाँ से वर्षा होगा? तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे, हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा. मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो, फुसूल जाएगी सब. मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, आंसर बकलोल रहे हैं जो इन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं. इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाचियार वर्षा होगा. इचरा कहीं क्या देखिए, यहाँ आदमी का मानसून पड़ेला में दिक्कत हो रहा है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा? अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा? मालाबार से टकराएगा. 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी,
शिवपुरी की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है। दो साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था, वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा, समझ में आएगा दिल किया। इस चचा सबको कौन समझाएगा। लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो ससुर, इतना हिरन लगती हो। उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना, कोई भी तारीफ एकदम आनर हो जाए ना, तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख, बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई अब आगे आते हैं, लड़की सब सुनती है सब तो घुसी आती है, सब क्या करेगी सब घुसी आके। हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सबका। हम लड़की सबका कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार, कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम दो लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते, सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सबका। अरे बकलोलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो, तोरा कौन चीज करना है ओकरा से, कोनो चीज की तैयारी करे, ब्याह करे का ससुरा, यहाँ पढ़ना ओकरा फंसा रहा है, लड़की से मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो, यहाँ हम समझा रहे ओकरा, पूछ रहा है किस चीज की तैयारी करती हो, कोनो भी आना करता है सु। सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क देख के खुश हो जाता है, लड़कियों बकलो लो से 10 रुपया का डेरी मिल्क खोलती है। चलो इधर देखो ध्यान से, कोई लड़की अपना एड्रेस वड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, आना तो फंस जाएगी, तुम लोग फंसा लेगा सब, फिर सावधानी अच्छी है। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे तो उनका बचवा बीमार था ठीक हो गया, तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहे बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हम वही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चले तुमने तो मंगलो कह तो कौन चीज, हमको लगा इतनी चुकी है ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का। हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए, हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए, तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रहे तुरी क्या ये कौन चीज होता है, लालों में कई रंग होता है क्या, तो हम कह दिखाइए, अरे बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग ही सनक गया, तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-43 नंबर का। मान लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी, अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहती हाँ खा ली है, अरे सचरी कहीं की इतनी चुकी हो जाएगी तो करा गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है। प्रेम वरेम वाला लाइन बहुत खराब होता है, इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा। और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है, एक बार लात खा जाएगा ना फिर सोच रहा फिर वो करा हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी भाड़ में जो यहाँ पर। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाए, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। जो चोटी बांध देती है उससे तो भैंस घिस सकता है आदमी, मतलब ऐसा नहीं है वो तो मोटका, अगर उसको रस्सी मजबूत नहीं रहता होगा।
तो आप देखिए छोटा छोटा रेशा मिला के बहुत मजबूत होता है। हम लोग छोटे थे ना, हम लोग के साथ छोट में तो सब खेलते रहता था, तो एक लड़की झगड़ा कर ली तो उसको चोटिया पकड़ के टांग लिए थे लोग। ऐसे यहाँ लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है, समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत